नानक मेहता का उल्टा चश्मा। मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे फोन छोड़िए और ये गर्म गर्म चाय पीजिए। वाह वाह दया वाह, क्या खुशबू है। तेरे हाथ की बनी चाय वो चार्जर है जिसको पीते ही मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। थैंक यू। हेलो। हाँ जी बाबी। हाँ मैं तैयार हूँ, बस टप्पू के पापा चाय पीकर दुकान जाने के लिए निकलेंगे ना, फिर हम साथ में निकलते हैं। अबे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अंजलि भाभी है ना, उनको हसमुख भाई जेलर के पास कुछ काम है तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे मेरा कंगन ठीक करवाना है तो लगे आज मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ पर तू मेरे निकलने की राह मत देख, आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मैं तो आराम से चाय वाय पी के अखबार वगैरह पढ़ के फिर निकलूंगा, तू निकल। नहीं नहीं, वैसे भी बापू जी के दोस्त के घर पूजा है तो वो वहाँ जाने के लिए निकलेंगे ना, उसके बाद ही मैं निकलती हूँ। कोई बात नहीं तू निकल, मैं हूँ ना। नहीं नहीं, पर बापूजी को कुछ चाहिए होगा तो? हाँ तो अरे मैंने कहा ना, मैं हूँ ना भाई। आप है तो सही, पर क्या, तुझे क्या लगता है मैं बापूजी का काम नहीं कर सकता? अरे भाई तू बेफिक्र होकर निकल, बापूजी का कुछ काम हुआ तो मैं फटाफट कर दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। थैंक यू। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दया के हाथ की चाय मतलब अल्फा तुन, जबरदस्त मजा आ गया। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। वो बहू कहीं बाहर जाने वाली थी तो बहू है कि निकल गई? नहीं बाबूजी निकल गई। ओ कुछ काम था? हाँ काम तो था। हाँ तो मुझे बताइए ना बाबूजी, क्या मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं तुझसे नहीं होगा। अरे बापूजी बताइए तो सही। अरे वो श्याम जी के वहाँ पूजा है तो वहाँ जाने के लिए मैं ये कुर्ता पहन रहा था तो कुर्ता पहनते पहनते ये बटन निकल गया, तू लगा पाएगा बटन? बटन मैंने कहा था ना तुझसे नहीं होगा, रहने दे। नहीं नहीं मतलब बटन, बस बटन ही लगा ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है बापूजी, अभी फटाफट लगा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं सुई धागा लेके आया। एक मिनट। हाँ है सुई धागा। अरे एक काम करता हूँ दया, कोई फोन करके पूछ ले। तुझे क्या लगता है मैं बापूजी का काम नहीं कर सकता? अरे भाई तू बेफिक्र होकर निकल, बापूजी का कुछ काम हुआ तो मैं फटाफट कर दूंगा। नहीं नहीं दया को फोन नहीं कर सकता, अरे कहाँ है सुई धागा। मिल गया मिल गया सुई धागा, मिल गया मिल गया बापूजी, सुई धागा मिल गया। ओ वाह शाबाश, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे अली बाबा का खजाना मिल गया हो। चल चल अभी जल्दी से सुई में धागा डाल और बटन लगा दे, मुझे देर हो रही है। जी जी बाबूजी जी जी, अभी एक ही मिनट। क्या कर रहा है ये? अरे ये मेरे कुर्ते का मैचिंग धागा है ना, तो ये ले ना। ओ सॉरी, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, सॉरी सॉरी सॉरी। भाई कितनी देर? एक मिनट बाबूजी एक मिनट। बहुत टाइम के बाद सुई धागा हाथ में है ना, कभी किया नहीं, मतलब बहुत बचपन में एक दो बार किया था।
रहने वाले भाई, तुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं बाबूजी, एक एक हो गया हो गया हो गया हो गया, देख देख तो जल्दी करना है। हर बार ऐसा लगता है कि ये लेकिन तुझसे नहीं होगा यार, तू सुई में धागा नहीं डाल सकता। नहीं नहीं वो हो जाएगा बापू, एक ही मिनट एक ही मिनट। हो गया बापूजी, हो गया। क्या हो गया? सिर्फ सुई में धागा जाने से बटन लग गया? नहीं मतलब बापूजी पहला पड़ाव पार हो गया ना, इसलिए। पहला नहीं दूसरा। दूसरा तो पहला पड़ाव कौन सा था? अरे भाई तूने सुई धागा ढूंढ लिया, ये कोई छोटी बात है? अब बराबर, हाँ तो पहला और दूसरा पड़ाव पार हो गया, अभी खाली तीसरा पड़ाव बाकी है बटन लगाने का, वो भी अभी फटाफट पार हो जाएगा बापूजी। आइए। हाँ मतलब लाइए। क्या? बटन बटन लाइए। हाँ बापूजी, सॉरी सॉरी, सुई थोड़ी लंबी है, सॉरी। तेरा संभल के लगा? हाँ हाँ, दोबारा लगे तो ऐसे ही बता, मतलब दोबारा नहीं लगेगा बापूजी, ऐसा मौका मैं नहीं आने दूंगा। संभल संभल। हाँ नहीं नहीं अभी अभी आ गया, समझ में आइडिया आ गया। हो गया बाबू, हो गया। अच्छी। ओहो। अरे क्या कर रहा है, तेरे बाल दूर रख। सॉरी वो, अरे मैं भी इधर कैची तो है, फिर एक मिनट। हाँ हो गया बापू जी। हाँ बापू जी, आपको याद है मैं जब भी छोटा था तभी रोज बटन तोड़ के आता था और फिर आपको कहता था कि बापू जी मुझे बटन लगा दीजिए ना। एक बात बता जेठिया, ये बटन तू रोज जानबूझ के तोड़ के आता है? अरे बोल। हाँ बापू जी, आप जब बटन लगाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या दिन थे नहीं? अरे दया तू गई नहीं ज्वेलर के यहाँ? अरे वो आधे रास्ते में मुझे याद आया कि मैं कंगन लेना तो भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग अभी तक निकले नहीं। वो बापूजी के कुर्ते का बटन टूट गया था तो मैंने लगा दिया। हाँ बहू, और बटन को टांका लगाते हुए कुछ हसीन पलों का भी टांका लग गया। मतलब बापूजी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, समय का पहिया पूरा एक चक्कर घूम गया। जेठिया जब छोटा था ना तो जानबूझकर अपना बटन तोड़ के मेरे पास लगवाने आता था, और आज मैंने ऐसा किया। मतलब बापूजी आप ये बटन जानबूझ के? हाँ जेठिया, जानबूझ के। मैं ये बटन जानबूझ के तोड़ के तेरे पास आया। लेकिन एक बात कहूँ जेठिया, तुझे तेरे बचपन की वो बात आज भी याद है ना, वो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। बापू जी तुम्हारा दिख रहा। वैसे बापू जी ये बटन ठीक तरह से लगा नहीं है, आप दूसरा कुर्ता बदल लीजिए, मैं ठीक तरह से लगा देती हूँ। अरे ले ले बहू, जेठिया ने बड़े प्यार से लगाया है, ले ले। दया भाभी आई। चलो चलो, हम तीनों को देर हो रही है, चलो चलते हैं। हाँ, चलिए।
अरे क्या चलिए, कंगन नहीं लेने? अरे हाँ, फिर से भूल गए। सॉरी बापूजी, मुझे लगा ठीक से लग गया है बटन। अरे ढीला ढीला रह गया ना थोड़ा। सही लगा है, बराबर है। चलिए चलिए। हाँ चलिए, आइए बापूजी, आइए। अंजलि भाभी, बबीता जी, सॉरी। क्या है भाभी, क्या बात हो गई, कितनी देर हो गई? अरे क्या कर रही है दया तू? बबीता जी को और अंजलि भाभी को ऐसे कड़ी धूप में खड़ा रखा तूने? सॉरी सॉरी, दया की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे आप लोग ज्वेलरी लेने जा रहे हैं तो जरा दया का ख्याल रखना, बेचारी बहुत भोली है, तो क्या उसको भावताल करना नहीं आता ना, इसलिए जरा देख लेना। एक मिनट जेठा भाई, ये आप क्या कह रहे? दया भाभी तो भावताल करने में नंबर वन है। मैं तो कहती हूँ दया भाभी अगर शॉपिंग करने निकलेगी ना तो 10,000 की चीज कम से कम 1,000 में लेके आ जाएगी। इतनी स्मार्ट है दया भाभी। इनफैक्ट मुझे तो ज्वेलरी का कुछ पता ही नहीं चलता है, जो दया भाभी पसंद करती है मैं वही ले लेती हूँ। वही तो, इसलिए तो हम उनको लेके जा रहे हैं। तो सुना 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 ना बापू जी। लेकिन मैं भी मजाक कर रहा था, मुझे तो पता है बापू जी दया बहुत होशियार है। आखिर मैं भी तो उसी की पसंद हूँ। नहीं टप्पू के पापा, आप मेरी पसंद के नहीं है। मतलब है पर पहली पसंद नहीं है। मतलब पहले मैंने आपको पसंद किया, उसके बाद सुंदर वीरा ने आपको पसंद किया, और उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैंने आपको पसंद किया। हाँ तो पसंद तो किया ना। हाँ तो बस वही बात चल रही है इधर। अरे अब जेठिया भाई, अभी थोड़ी देर पहले तू ही कह रहा था ना इन लोगों से कि सॉरी सॉरी आपको धूप में खड़ा रहना पड़ा है, तो अभी तू भी खड़े खड़े कितनी बातें कर रहा है, हैं सबको धूप में खड़ा रखा है। सॉरी सॉरी, चलो चलो चलो। ओ थैंक गॉड बबीता, तुम अभी तक यही हो? अरे बबीता जी तो यही है, लेकिन आप यहाँ क्यों है? आज लॉन्ड्री नहीं जाना है? लॉन्ड्री? जेठालाल मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, मैं लॉन्ड्री में नहीं लेबोरेटरी में काम करता हूँ। अरे सॉरी सॉरी, वो लेबोरेटरी में नहीं जाना है, छुट्टी है आज। बबीता प्लीज 2 मिनट जल्दी से ऊपर आओ, ये मेरे शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज आकर लगा दो। क्या यार भाई, साइंटिस्ट हो के आपको शर्ट में बटन लगाना भी नहीं आता है? जेठालाल तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे बटन लगाने में तुम वर्ल्ड चैंपियन हो। नहीं वर्ल्ड पेंशन तो नहीं, लेकिन मुझे आता है शर्ट में बटन लगाना। अभी थोड़ी देर पहले बापूजी के कुर्ते में मैंने ही बटन लगाया था, पूछो बापूजी से, है ना बापूजी? हाँ। क्या बबीता जी, अंजलि भाभी, मेरा दिल से ऐसा मानना है कि मर्द आदमी को घर के छोटे मोटे काम तो आने ही चाहिए। यह जेठालाल बहुत होशियारी मार रहा है, अभी इसको मजा चखाता हूँ। जेठालाल आई कांट बिलीव इट, मैं नहीं मानता। क्या जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता ना, तब तक मैं कुछ मानता नहीं हूँ। इसलिए मैं नीचे आता है, तुम सब के सामने मेरे शर्ट पर बटन लगा कर दो तो मानता हूँ। अरे आइए 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 आइए, शर्ट बटन लेके आइए। बबीता जी, साइनिस्टों के अय्यर भाई के पास एक ही शर्ट, बेचारा टूटा हुआ बटन लगा लगा के पहन रहे। अय्यर तुम्हें यही शर्ट क्यों पहननी है, कोई दूसरी शर्ट पहन लो ना। बबीता ये मेरा फेवरेट शर्ट है, इसलिए बोला था। हाँ तो कोई बात नहीं, लाओ लाओ लाओ, सी देता हूँ, लाओ। नहीं नहीं मैं दूसरा शर्ट पहन लेगा। बबीता ये मेरा फेवरेट शर्ट है, इसलिए बोला था। हाँ तो कोई बात नहीं, लाओ लाओ लाओ, सी देता हूँ, लाओ। नहीं नहीं मैं दूसरा शर्ट पहन लेगा, पहले ही पहन लिया होता तो। अरे अंजलि आप लोग गए नहीं अभी तक, यही है? नहीं बस तारक, हम निकल ही रहे थे। अच्छा, अरे ये कौन आया? मेनू की पता? मैं आने वाला था। बोल रहा था मेनू की पता। अरे बाबा, अरे ओ, अरे आओ आओ, नमस्ते नमस्ते, आइए नमस्ते नमस्ते, जेठा भाई दीपक भाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय माता जी। जेठा भाई पहचाना? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, शिवू भाई, दिनेश भाई, प्रफुल्ल भाई, आपके सहयोग सहित माँ आशापुरा के मठ जाने की शुभ यात्रा की शुभ शुरुआत हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से हुई थी। आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई, पर अचानक आज कैसे आना हुआ? हम माँ आशापुरा का प्रसाद लाए हैं। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत शुभ है मेरे लिए, सुबह सुबह बापू जी के आशीर्वाद मिले और अभी माँ आशापुरा के आशीर्वाद मिलेंगे।
दिनेश भाई, प्रफुल्ल भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यात्रा कैसी रही? जी, माता जी के भक्त जो साइकिल पे गए थे उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, माता जी की कृपा से सब सही सलामत माता जी के मठ पहुंच गए। आप लोगों ने माँ के मठ पे जो ध्वजा और चुनरी चढ़ाने को दी थी वो भी चढ़ा दी। गोकुलधाम सोसाइटी ने दी हुई ध्वजा माता के चरणों में पहुंच गई। अभी गोकुलधाम सोसाइटी पे कोई आंच नहीं आएगी। बिल्कुल, ये माँ के आशीर्वाद और चुनरी है, इसे अपने पास रख लीजिए, इससे माता की कृपा बनी रहेगी। हम सबके लिए प्रसाद लाए हैं। मुझे दीजिए। मैं सोसाइटी में सबको बांट दूंगा। मैं क्या कहती हूँ भिड़े भाई, ऐसा पूरा माता की चुनरी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर बांध देते हैं ताकि माता जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। वाह वाह दया, वाह वाह बहू, ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है तुमने। भिड़ी मास्टर। हाँ बिल्कुल, चल सोड़ी। हाँ चलो 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 चलो, आओ जी। बोलो आशापुरा मात की जय। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। संभल के संभल के सोड़ी भाई। बोलो आशापुरा मात की जय। मेरे परिवार पर और मेरे गोकुलधाम सोसाइटी पर किसी की बुरी नजर ना पड़े उसका ध्यान रखना। हे आशापुरा माँ, हम पर हमेशा आपकी कृपा बनाए रखना। हे माँ, अपने सभी बच्चों को सद्बुद्धि देना और हमारी एकता ऐसे ही बनाए रखना। हे आशापुरा माँ, हम सभी की रक्षा करना। बोलो आशापुरा मात की जय। माँ की चुनरी से सजा गोकुलधाम, खुशियां छाई लेकर माँ का नाम। और माँ से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा मन मस्तिष्क स्वच्छ रहे, न मन में द्वेष हो न मस्तिष्क में कलुषता। और हम तो यही कहते हैं कि हमारा घर, हमारी सोसाइटी, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, हमारा देश और ये सारी दुनिया स्वच्छ बनी रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वच्छता अभियान में तारक मेहता की उल्टा चश्मा की पूरी टीम को आमंत्रित किया। पूरे विनम्रता के साथ हम इस अभियान में जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं और जुड़ना चाहते भी हैं। और जल्दी ही हम देखेंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हम स्वच्छता अभियान से किस तरह से जुड़ते हैं। अब देखिए तो कि यहां स्वच्छता अभियान क्या क्या रंग लाता है, ये देखने का आपको उत्साह भी है और उत्सुकता भी। ये हम देखेंगे सोमवार को, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.